बहन जी हमें तो बस दो जोड़ों में अपनी मनाल चाहिए। हेलो निकी बात कर रही, चंद रोज के लिए तुम यहाँ आ जाओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। मनाल तुम मेरे घर नहीं आ सकती। मनाल वो मेरा नहीं, मेरी बीवी का घर है जिसमें मैं उसके साथ रहता हूँ। तुम मुझे आपसे बात नहीं करनी, बताओ मेरी मामा किधर है। मनाल निकी का एक्सीडेंट हो गया। क्या आंटी? सच तो ये है कि मेरे और मनाल के दरमियान कभी भी कुछ ठीक हुआ ही नहीं था। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुमने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ। हारिस! 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 हारिस बेटा, ड्राइवर! मनाल! ठीक तो लग रहा है बेटी। मनाल इधर, तुमने क्या कहा था? तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया था कि आज के दिन कोई काम ना रखना, लेकिन तुम्हें मेरी बात कहाँ याद रहती है? तुम्हें सिर्फ ये काम अपने सर पे सवार किया हुआ है। ये कुछ नए डिजाइन बनाए थे, ये देखें, इसका फोटोशूट करके सोशल मीडिया पर डालना था। अब आपको तो पता है कितने फैंस हैं मेरे। मास्टर जी आप ही समझाए ना इसे कुछ। ओ जी मैं तो नाम का ही मास्टर हूँ, असल मास्टर नहीं तो ये है, सारे काम यही सिखाती है हमें। नहीं मास्टर जी ने क्या समझाना है, मास्टर जी आप इन्हें समझाएं। आपको याद नहीं मोची दरवाजे में एक कमरे के घर पर रहते थे और सिलाई मशीन मैंने छत पर रखी होती थी। अब इतना बड़ा घर है, इतनी खुली जगह काम करने के लिए, और आप मेरी मेहनत की थोड़ी सी कदर नहीं कर सकती। वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मोची दरवाजे में रहते थे ना, एक कमरा था, बहुत खुश थे। यहाँ तुम क्या कर रही हो? ये किराया इतना देना इस बड़े घर का, ये एसी के बिल, ये इतने सारे बल्ब, देख क्या हालत होगी किराए दे देकर तुम्हारी, चिड़ी जितनी जान रह गई है। हाँ लेकिन कोई जानता था मुझे वहाँ पर? कोई नहीं जानता था। और अम्मी यहाँ पर सब जानते हैं मुझे, बड़े बड़े डिजाइनर मेरे कपड़ों पर अपने नाम का टैग लगाकर बेचते हैं। एक तस्वीर डालू ना सोशल मीडिया पर, 5,000 लाइक्स आती है एक घंटे में, और आप चाहती है सब कुछ छोड़ छाड़ कर शादी कर कर किसी के घर में बैठकर रोटियां बनाओ। मैं नहीं कर सकती है। हाँ तो तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो कि माँ के सर पे बैठी रहो सारी उम्र? हैं? शौहर के घर नहीं जाना, आगे बच्चे नहीं होंगे तुम्हारे, उनके लिए रोटियां पकाओगी तो अच्छी भी लगोगी। अम्मी खुदा के वास्ते सोच बदले। और ये क्या मोची दरवाजा, अब भूल जाए कि मोची दरवाजे रहते थे, हम यही रहते थे हमेशा से, ठीक है? अस्तगफार, इतनी झूठी हो गई है, ये बड़े घर में आके तू अपनी औकात भूल गई है, हैं? इतना झूठ बोलना शुरू कर दिया, शर्म नहीं आती तुम्हें? सुन ले मेरी बात, मेहमान आने वाले हैं, समझी? अगर इस बार तूने जुबान चलाई ना तो चुंडे मोर मोर के तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगी मैं। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली, जल्दी कर। कपड़े कहाँ हैं मेरे मुन्ने? स्टोर में बाजी। स्टोर में? माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मनाल। बड़ा प्यारा नाम है। कितना पड़ी है? अब बीए किया हो जी, घर के सारे काम जानती है, मेरी बेटी बहुत फरमाबरदार है। बेटा मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे कपड़े बनाती हो। वो तो शादी से पहले सब बनाते हैं जी। वो दरअसल ये बहुत छोटी थी तो इसके अब्बू की वफात हो गई थी, मैंने अपनी बच्ची को बहुत लाड और प्यार से पाला। बहुत शर्मीली बच्ची है। अब ये जितनी शर्मीली है ना माशाल्लाह से उतनी ही मेहनती है। बाप की वफात के बाद सारा घर इसी ने संभाला। ये बेटी भी है और बेटा भी है। रजिया चाय बनाओ। आप तो मशहूर डिजाइनर मारिया गिलानी है। That's right. आप प्लीज बैठिए प्लीज। थैंक यू। यहाँ बहुत तारीफ सुनी आप, कुछ सैंपल लेकर आई हूँ, ये ऑर्डर मैं सिर्फ तुमसे बनवाना चाहती हूँ। बन जाएंगे, लेकिन आप मुझसे क्यों कपड़े बनवाना चाहती हैं? फैशन शो की वजह से काम का लोड बहुत पड़ गया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बहुत दिल से आपका काम करूंगी। आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ फैन पेज के लिए प्लीज? व्हाई नॉट। हमने तुम्हारी सिलाई और कट के बारे में बहुत तारीफ सुनी है, और ये लो तुम्हारे नोट्स। शुक्रिया।
ऑर्डर तैयार होते ही आपको फोन कर दूंगी। ठीक है, मैं इजाजत चाहती हूँ। यहाँ रख दो ये सब कपड़े। ठीक है, थैंक यू, हाफिज़। देखा मास्टर जी, ज्यादा खुश ना हो बच्चे, काम हमसे करवाएगी और बेचेगी अपने नाम से। पर आप और मैं हकीकत जानते हैं कि मारिया गिलानी खुद आई थी और मेरे और मेरे काम की तारीफ कर रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं बहुत खुश हूँ मास्टर जी। बहन जी, हमें तो बस दो जोड़ों में अपनी मनाल चाहिए। लेकिन एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि शादी जल्द से जल्द कर दे। हारिस मुल्क से बाहर काम करता है, इसे जल्द से जल्द वापस जाना होगा, और अगर अभी ये नहीं हुआ तो फिर बात अगले साल तक टल जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं इतनी जल्दी ये सब। अरे आंटी, आप क्यों फिक्र करती हैं? सब इंतजाम हो जाएंगे, मैं हूं ना। लो जी, ये मसला भी हल हो गया, अब सोचना क्या, बस हाँ कीजिए। ठीक है भाई साहब, जैसा आप ठीक समझे। ये हुई ना बात, बहुत बहुत मुबारक। मनाल, ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए, और मैं इसे अपने हाथ से तुम्हें पहनाऊंगी। भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। देखो मनाल, तुम अपने ड्रीम्स पूरे करो, बहुत नाम कमाओ, मैं अपने काम करता हूँ। बाद में जब हम दोनों अपने कामों से थक जाएंगे या बोर हो जाएंगे तो बस एक दूसरे का साथ देंगे, सहारा बनेंगे, क्योंकि वो लाइफ उस वक्त हमने खुद चूज की होगी, जैसे ये लाइफ इस वक्त हम खुद चूज कर। और तुम देखना हम लोग कितना खुश रहेंगे, क्योंकि हमारे दिल में कोई हसरत नहीं होगी। मतलब कि ये शादी हमने सेविंग अकाउंट में डाल दी, जो हमारे बुढ़ापे या बुरे वक्त में काम आएगी, है ना? पता नहीं, मैं समझा नहीं, लेकिन हाँ, समथिंग लाइक दैट। हाँ, हारिस, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम अपने ख्वाबों में खोकर अपनी जिंदगी की हकीकत को भूल जाएं? हमारे ख्वाब तो पूरे हो जाएं, लेकिन जिंदगियां अधूरी रह जाएं, ना मुकम्मल ना खुश। नहीं मनाल, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी सक्सेस एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो हारिस साहब, मिलाइए हाथ। शादी मुबारक। आपको भी शादी मुबारक। अंदर चले। या श्योर। शेरवानी ने मेरा गला घूम दिया। तुम्हारी हिम्मत है, तुम अभी तक इसी ड्रेस में हो। तदा, मैं तो कब से कपड़े बदल कर बैठी हूँ, पता है मुझसे भी नहीं पहने जा रहे थे वो इतने भारी कपड़े। तुम्हें बुरा लगा? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? शुक्र है तुम टिपिकल शौहर नहीं हो। क्या है? तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा, जिस हॉल में तुम्हारा स्टिचिंग यूनिट बनने जा रहा है उस हॉल की चाबी। ओह माय गॉड, सच में? सच में। वैसे लाया तो मैं तुम्हारे लिए ये
डायमंड रिंग भी था, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें चाबी की ज्यादा खुशी होगी, है ना? अब ऐसी भी बात नहीं है यार, मुझे डायमंड रिंग्स भी पसंद है। माना कि इस चाबी की बहुत अहमियत है, लेकिन तुम मुझे डायमंड रिंग भी दे सकते हो। श्योर। थैंक यू सो मच हारिस। यू आर वेलकम। मनाल, आज से हम अपनी जिंदगी एक नए रिश्ते में बंधकर शुरू करने जा रहे हैं, मगर मैं नहीं चाहता हम खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ महसूस करें। हमारा निकाह हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने हारिस। कितना ही अच्छा हो कि अगर शौहर अपनी बीवी पर हुक्म जमाने की बजाय उसे दोस्त समझे, नाम के जीवन साथी की बजाय असल में जीवन साथी बनकर है, जो रिश्ता कागजों में बनता है वही अगर दोनों के दिलों को जोड़ने का सबब बने तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाए। नहीं, तुम फिक्र ना करो मना, तुम्हें मेरे से कभी कोई शिकायत नहीं। जी जान, जान निकालूंगी तुम्हारी। क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? तुम पिछले साल में पाकिस्तान में जाकर तुमने कितने झूठ बोले थे और बाद में पता चला था कि तुम्हारा रिश्ता होने वाला है ना। मेरी जान, वो तो फैमिली वालों की आपस में सिर्फ बात हुई थी। मेरा भी दिमाग खराब है जो मैंने तुम्हें बता दिया। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम इस बार भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ठीक है यार, ना करो मुझ पे यकीन, जो सोचना है सोचो। ओके, तो ठीक है, मैं भी पाकिस्तान आ जाती हूँ और मैं खुद आके देखूंगी कि तुम्हारी मामा कितनी उदास है तुम्हारे बगैर। ठीक है, बाय। सैबी, हेलो हेलो, हाँ बोलो। हेलो, दो दिनों में वापस आ रहा हूँ मैं, अब खुश? ओके। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं मामा, परेशानी नहीं है, मुझे वापस जाना होगा, जरूरी काम है। जाना होगा? कब कब जाना है? इसी वीक, इससे ज्यादा डिले नहीं कर सकता। क्या क्या क्या, अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि तुमने वापस जाने की बात शुरू कर दी? ये बहुत ज्यादती है हारिस मियां। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी मनाल को बुरा लगेगा तुम्हारा इस तरह जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मुझे हारिस के जाने पर कोई एतराज नहीं है। देखा कितनी साबर बच्ची है, लेकिन फिर भी आप अपनी कंपनी में फोन करेंगे और कम से कम 2 हफ्ते की और छुट्टी लेंगे। पापा, मैं कोशिश कर चुका हूँ, आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मुझे हर हाल में नेक्स्ट वीक ज्वाइन करना होगा। तुम्हें देखकर ऐसे जान में जान आई है जैसे तुम मेरे हस्बैंड नहीं मेरी ऑक्सीजन हो। वैसे काफी कमजोर हो गए हो तुम। हाँ, वो तुम्हारे जहन में भागता जो रहा हूँ, कमजोर तो होना ही था ना। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? वो क्या? बता दूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो आए हो, हम बैठेंगे बातें करेंगे फिर बताऊंगी ना। हैव अ पॉइंट। ओके। अच्छा अब तुम्हारी मामा कैसी हैं? हाँ मामा, मामा बिल्कुल ठीक है अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतर है। चलो अच्छा है, अब तुम्हें दोबारा वापस नहीं जाना पड़ेगा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं आती हूँ। क्या जरूरत थी हैरी बताने की कि मामा ठीक हो गई? मारिया। हेलो। जी मारिया जी। मनाल, तुम्हारी सारी ड्रेसेस की पिक्चर्स मैंने निकी को भेज दी है। यू नो व्हाट, उसको बहुत पसंद आई है, वो तुमसे बात करना चाहती है, और मैंने तुम्हारा नंबर भी दे दिया, और तुम्हारे सैंपल्स भी सुबह तक उसको पहुंच जाएंगे। ओके ठीक है। क्या मतलब, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम जानती हो निकी कौन है? जरा गूगल करो। मेरा तो ख्याल था कि तुम निकी का नाम सुनते ही खुशी से बेहोश हो जाओगी। इतनी बड़ी डिजाइनर है क्या? अरे पिछले साल भी उसने अवार्ड विन किया है, और इस साल भी लोग उसी का ही नाम ले रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट की फैशन क्वीन है, और बहुत बड़ी डिजाइनर है वो।
अगर वो तुम्हारे कट्स की तारीफ कर रही है तो मैं तो तुम्हारी फैन हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप मारिया जी? बस तुम उसके फोन का इंतजार करो। ठीक है, खुदा हाफिज़। कौन है ये निकी? अभी गूगल करती हूँ। ओह माय गॉड, ये है निकी। इसको मेरे डिजाइन अच्छे लगे। माय गॉड, आई कांट बिलीव। मुन्ने, तूने ये मरियम शायद साहबा के घर देख कर आना, ठीक है? और मास्टर जी इसका करे ना जो भी करना, इतने दिन हो गए। लो बेटा, छोड़ छोड़। हेलो निकी, बात कर रही हूँ। आई होप मारिया ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। जी बताया था। मुझे आपके सैंपल्स मिल गए और बहुत पसंद आए। दरअसल मेरे पास यहाँ पर बहुत बड़ा ऑर्डर है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पर काम करो। जी क्यों नहीं। तो ठीक है, चंद रोज के लिए तुम यहाँ आ जाओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। मैं और मेरी टीम सारा काम समझा देगी। क्या? अरे घबराओ नहीं, सारे ट्रिप की जिम्मेदारी मेरी होगी। ये काम जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि हमें ये ऑर्डर तैयार करके देना है। अब इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार मुझे मेरी फैमिली से पूछना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड भी वही होते हैं। फिर तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें एतराज नहीं होना चाहिए। आप मुझे अपना फैसला 2 दिन में बता दें। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मास्टर जी आपको पता है मुझे निकी डिजाइनर का फोन आया और उन्होंने मुझे मलेशिया आकर काम करने की दावत दी है। सच? भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। और हारिस को पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश होगा कि मेरी बीवी इस काबिल है कि खुद मेहनत करके वहाँ तक पहुँच गई। अरे मनाल बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। मदिया बेगम, आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। क्या? आपकी बहू को भी वहीं से काम की ऑफर आई है जहाँ तुम्हारा बेटा काम करता है। मुझे पता है, मेरे कुबरा भाभी से भी फोन पे बात हुई, उन्होंने मुझे सब बताया है। हाँ तो बेटा फिर चली जाओ ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो चाहती हूँ, बस अम्मी की फिक्र हो रही है। उन्हें इस तरह से अकेले छोड़कर कैसे जाओ? किसी ना किसी को तो उनके पास होना चाहिए। नहीं अरे क्यों फिक्र करती हो? सुने, कुबरा भाभी को हम अपने घर ले आएंगे और वो यही रहेंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बस तुम जाने से पहले हारिस को फोन कर लो। हारिस को तो मैं कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, फोन ही नहीं मिल रहा। अब मैंने भी सोच लिया कि जाकर ही सरप्राइज दूंगी। बेटा कब तक जाना है? जितनी जल्दी हो सके, वो लोग तो यही चाहते हैं। एक्चुअली मेरा वीजा और टिकट वही कर रहे हैं, मैंने थोड़ा वक्त मांगा उनसे। अरे तो फिर टेंशन किस बात की है? जाओ और तुम अपनी अम्मी की फिक्र मत करना, हम उनका ख्याल रखेंगे। थैंक यू। यू आर वेलकम। हेलो निकी। निकी मैं पहुंच गई हूँ। ओके गुड। अच्छा मेरा ड्राइवर बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। अच्छा कहाँ? चले ठीक है, मैं देख लेती हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ आपके पास। खुदा हाफिज। ये हारिस कहाँ गया? दोबारा फोन करती हूँ। हेलो मनाल, कैसी हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आई होप तुम्हारा सफर अच्छा गुजरा होगा। बहुत अच्छा। प्लीज अंदर आओ ना। मैंने तुम्हारी होटल बुकिंग करा दी है, लेकिन मैं चाह रही थी तुम्हारे होटल जाने से पहले एक दफा हमारी मुलाकात हो जाए। आपको पता है मैं आपसे मिलने के लिए कितना बेचैन थी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने बैठी हुई हैं। वैसे इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ रहती है, वो इस वक्त सो रही है। जाग रही होती तो तूफान उठाया होता इस घर में। आपको पता है मैंने गूगल से आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी, वहीं से मुझे पता चला कि आप पैदा भी यहाँ हुई, स्टडी भी यहीं पर की, तो फिर इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेती हैं? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान से थे, उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ उर्दू में बात किया करूं, मगर उस वक्त मुझे उर्दू बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो फिर उर्दू बोलना तो मैंने इजाज की खातिर सीखा था। इजाज? इजाज मेरी बेटी के फादर हैं। मोहब्बत में इंसान क्या कुछ सीख लेता है, मैंने तो सिर्फ उर्दू बोलना सीखी। देखो वही जुबान मेरे काम आ रही है, पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री से कितना अच्छा ताल्लुक बन गया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे आपके हस्बैंड भी यही होते हैं आपके साथ? नहीं, मोहब्बत शायद मुझे ही थी सर। एनीवेज तुम फ्रेश हो जाओ, कहीं खाने के लिए चलते हैं। तुम्हारा कोई दोस्त या रिश्तेदार यहाँ पर रहता है? जी जी, मेरे हस्बैंड यही होते हैं, मैंने कॉल पर बताया तो था आपको। ओ हाँ, लेकिन शायद आप भूल गई होंगी, इतना बिजी जो रहती हैं। मैं आपको एड्रेस दिखाती हूँ मेरे फोन में, ये देखिए। अरे ये तो बिल्कुल पास में ही रहते हैं, तुम मिलना चाहोगी इनसे? अच्छा, क्या मैं मिल सकती हूँ इनसे आज ही? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें गेस्ट रूम में ले चलती हूँ, उसके बाद मिलने चलते हैं। चलो। विकी, वो मेरे हस्बैंड है हारिस। या आप प्लीज बैठेंगे, मैं मिलकर आती हूँ। थैंक यू हारिस। तुम यहाँ कैसे? सरप्राइज। पहले तुम बताओ तुम कहाँ थे, तुम्हें मैंने कितने फोन किए, तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल रहा था, और फिर मैं तुम्हारे घर चली गई, तुम वहाँ भी नहीं मिले, फिर मैंने सोचा मुझे तुम्हारे लिए कुछ, क्या देख रहे हो, तो मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मुझे यहाँ की सबसे बड़ी डिजाइनर ने बुलाया है। वेरी गुड, मनाल मेरी बात सुनो। मनाल, मनाल तुम मेरे घर नहीं आ सकते, मैं तुमसे कहीं बाहर मिला करूंगा, ओके? क्यों? क्योंकि क्योंकि बस नहीं आना, मैं तुमसे बाहर मिल लूंगा ना। कोई तो वजह होगी, क्या मैं वजह जान सकती हूँ? वजह? मनाल वो मेरा नहीं, मेरी बीवी का घर है जिसमें मैं उसके साथ रहता हूँ। बीवी? तुम्हारी बीवी तो मैं हूं ना हारिस। मनाल, मैंने यहाँ शादी की हुई है और वो इस वक्त मेरे साथ है, उसने मुझे अगर तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मनाल तुम कहाँ रुकी हुई हो, तुम मुझे अपना फोन दो, मैं ताकि तुम्हारा नंबर ले लूं। दो, हम रابطے में रहेंगे ना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैंने अपने नंबर पर मैसेज कर दिया, मैं कल तुमसे रابطہ करूंगा, ओके? और मनाल प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक, मेरी यहाँ वाली शादी के बारे में मामा और पापा को नहीं पता चलना चाहिए, प्लीज, वो बहुत हर्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा, प्लीज। एंड मनाल, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर यू, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं ख्वाब पूरे कर रही हूँ, इतनी बड़ी डिजाइनिंग के साथ काम कर रही हूँ। गुड लक, हाँ, कीप इट अप, कीप इट अप, बाय बाय। आंटी, आपसे कोई मिलने आया है? मुझसे मिलने आया? अच्छा, मैं देखती हूँ।
जी कहिए। आप शायद मनाल हैं। जी मुझे आप ही से मिलना था। कहिए। वो मेरे निक्की से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वो बिजी हैं तो आप मुझे हैंडल कर लेंगी। दरअसल मैं उनकी रेगुलर क्लाइंट हूँ। ओह अच्छा। लो निक्की भी आ गई। हाय सुबिका, सॉरी मिल गई तुम्हें। नहीं कोई बात नहीं। तुम कॉफी कब लोगे? ओके आओ प्लीज मिल। हाँ अच्छा तो आपको किस इवेंट के लिए आउटफिट चाहिए? कोई इवेंट नहीं है। तो फिर वो एक्चुअली मुझे दिल जीतना है। किसका? अपने हस्बैंड का। और किसका? ओह स्वीट। मैं चाहती हूँ कि मुझे आप कोई ऐसा डिजाइन दिखाएं जो मुझ पे बहुत अच्छा लगे और मेरे हस्बैंड बस मुझे देखते ही रह जाएं। मैंने अक्सर जींस शर्ट पहनी है अपने हस्बैंड के सामने, तो मैं शलवार कमीज पहनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं डिफरेंट लगूं और खूबसूरत लगूं उनके सामने। मैं समझ गई। अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो आपकी पर्सनालिटी हेयर स्टाइल के लिहाज से मैं आपको एक नई लुक दे सकती हूँ। आप प्लीज आइए मेरे साथ। सबिका आप जाए, मैं आपकी कॉफी में इंतजार करती हूं। आइए प्लीज। My God. Look at you. You are looking absolutely gorgeous. मैंने कहा था ना ये कलर आपको बहुत सूट करेगा। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि मैं ईस्टर्न कपड़ों में इतनी अच्छी लगूंगी। थैंक यू सो मच मनाल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ मतलब चंद सरकारी कागजों में उसे मेरी बीवी होने का हक हासिल है, लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं। तुमने बहुत गलत किया हारिस, अगर तुम्हें यही करना था तो। आई नो यार मनाल, आई नो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर। स्टॉप इट हारिस, तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? माफी ना तुम्हें खुद से मांगनी चाहिए जिसने इतनी सुस्ती की। तुम्हें ना आती यहाँ शादी कर लेनी चाहिए थी, अब तक तो तुम्हें नेशनलिटी भी मिल गई होती। ताने तो ना दो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे हारिस ताना नहीं दे रही, वो तुम्हें मेरी दोस्त याद है सदफ जो शादी में भी आई थी, मिलवाया था ना मैंने उससे, याद है ना? हाँ, जो उसका भाई है ना, उसके भाई ने अमेरिका में शादी कर ली थी इसी तरह से नेशनलिटी के चक्कर में, और जब उनको नेशनलिटी मिल गई ना तो पाकिस्तान से उन्होंने अपनी बीवी बच्चे माँ बाप सबको ले गए थे और अब वही रह रहे हंसी खुशी। और जिससे पेपर मैरिज की थी वो किधर गई? वो उसने तो बहुत सारे पैसे लिए थे इस काम के लिए। तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा मैंने पेपर मैरिज की हुई? नहीं हारिस, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैं पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रही थी, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि मेरी शादी किसी अयाश आदमी से हो गई। I'm really sorry हारिस, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। It's okay, मनाल, it's okay. ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। और वैसे भी इस लड़की का इतना हैंडसम शौहर हो, उसे इनसिक्योरिटी तो हो ही सकती है। हा। वैसे बात गलत भी नहीं है। एक बात बताओ, वो तुम जिसके साथ रहते हो अब काफी अरसा हो गया, दोस्ती भी काफी हो गई होगी, प्यारी है? एक बात मैं शर्त लगा कह सकती हूँ, मुझसे ज्यादा प्यारी नहीं हो सकती। उस जैसा प्यारा होने के लिए तुम्हें कम से कम 50 साल लग जाएंगे। इतनी ज्यादा हसीन है? नहीं इतनी हसीन नहीं है, इतनी बड़ी उम्र की। क्या कोई बुरी औरत है? हाँ, इसलिए तो मैं उसके साथ रह के उसकी मदद कर देता हूँ, बेचारी बीमार रहती है और बदले में वो मुझे नेशनैलिटी दिलवाने में मदद कर रही है। क्या वाकई? हाँ मनाल, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेके जा सकता, कहीं वो ये ना समझे कि मैं उसकी प्रॉपर्टी का फायदा उठा रहा हूँ, इसलिए मैं अगर तुम्हें किसी अच्छे से होटल में। अरे हारिस तुम मेरी फिक्र ना करो, मेरे पास रहने की बहुत अच्छी जगह है, और जो निकी है ना जो डिजाइनर जिसने मुझे बुलाया यहाँ पर, वो खुद भी बहुत अच्छी है। बस तुम अपना ख्याल रखो और अच्छा अच्छा काम करो। ओके
तुम छीनोगे मुझसे मेरी बच्ची इजाज, कोई हक नहीं है तुम्हारा नैना पर। हक शायद तुम बोल रही हो कि मैं नैना का बाप हूँ। शायद इसीलिए उसे बाप के नाम से भी नफरत है। दोबारा फोन मत करना। देखिए क्या हुआ, सब ठीक है ना? इतने साल तक उसे ख्याल नहीं आया कि वो नैना का बाप है, और अब कहता है मेरे साथ रहकर नैना की जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे कोर्ट जाने की धमकी दे रहा था, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगी। निकी ऐसा कभी नहीं होगा। इससे पहले कि वो केस करे, उल्टा हम उस पर केस कर देंगे। मेरे होते हुए नैना को लेके जाना तो बहुत दूर की बात, उसे देख भी नहीं सकता। नैना के पैदा होने से पहले जब वो मुझे अकेला छोड़कर पाकिस्तान चला गया था, तब उसे याद नहीं आया कि मैं इस नन्ही सी जान को कैसे पालूंगी। उसने मेरी फीलिंग्स को ही नहीं, मेरी मासूम बच्ची को भी धोखा दिया। कि निकी, मुझे लगता है कि आपको नैना के फादर से जरूर मिलना चाहिए। What? उससे तो सिर्फ एक ही बार मिलेंगे, जब उसका मुंह तोड़ना होगा। दानियाल, आप बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं। मैं बात को बढ़ा नहीं रहा, मैं बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने हालत देखी है इसकी? देखिए, जो गुस्सा, जो शिकायत, जो नफरत निकी की बातों में, वैसी हालत इजाज की भी है। दोनों का दर्द एक जैसा है। कौन तुम? तुम यहां क्यों आए हो? निकी, मैं अदालत से अपना केस वापस लेने को तैयार हूं। अगर तुम मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दे दो कि तुम मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोकोगी। क्या मतलब? निकी, मैं जानता हूं कि नैना तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं ये भी जानता हूं कि एक बच्ची को उसकी मां की कितनी जरूरत होती है, लेकिन एक ही मैं उसका बाप हूं, और इस हकीकत को तुम झुठला नहीं सकती। और ये ख्याल तुम्हें अब आया? देखिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन निकी, मैं मजीद गलतियां करके इसकी सजा अपनी बेटी को नहीं देना चाहता। ये मनाल है जो नैना को हॉस्पिटल लेकर गई। थैंक्स, आपने उस पूरे वक्त में मेरी बेटी का इतना ख्याल रखा, उसका साथ दिया। मनाल, मैं आपका यह एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा। नैना मुझे बहुत अजीज है, लेकिन नैना को माँ का प्यार और बाप की शफ़क़त आप दोनों के अलावा और कोई नहीं दे सकता। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इजाज़ की बात मान लेनी चाहिए। हो सकता है ये कदम उठाने से आप दोनों के बीच में जितने भी फासले हैं वो ख़त्म हो सकें। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। थैंक यू सो मच मनाल। अल्लाह आपके साथ है, अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है, आप बस अल्लाह पर भरोसा रखें। तुमने ये जो सब मेरे लिए किया, शायद मेरी सगी बहन भी ना कर पाती। प्लीज जाएं, आप वहाँ का वेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं जल्दी आऊंगी, नैना का ख्याल रखना। ठीक, वापस। Where is Mr. Asher? Doctor, how's Nikki? Who? Accident. Oh, she's in very critical condition. Please pray for her. And what about the other guy, her husband? He's no more. Thank you.
हेलो मनाल, निकी का एक्सीडेंट हो गया। क्या मनाल, नैनो को इस बात का पता ना चले। निकी, निकी कैसी है? ठीक तो है? दानियल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, निकी ठीक तो है? तुम हो कहाँ? मैं खुद आती हूँ तुम्हारे पास। नहीं नहीं नहीं, तुम नैना के पास रहो और उसको इस बात का एहसास भी नहीं होने देना। तुम बताओ तो सही कि हुआ क्या है, वो ठीक तो है? मैं तुम्हें फिर कॉल करता हूँ। दानियल, 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 वो हारिस। क्या हुआ है मनाल, रो क्यों रही? हारिस वो, तुम रो क्यों रही मनाल? संभालो खुद को, क्या हुआ? हारिस, निकी का एक्सीडेंट हो गया है। ओह गॉड, कब? आज सुबह। ये दानियल है निकी के बिजनेस पार्टनर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब अचानक कैसे हो गया। कि सारी गलत फहमियां दूर होनी थी, वो जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे थे। ये सब कुछ छोटी सी बच्ची है उसकी, हारिस, उसको पता चलेगा तो? नहीं, नैना को कोई कुछ नहीं बताएगा, छोटी सी बच्ची है, बुरा असर पड़ेगा उसको। वो बच्ची इस वक्त है कहाँ पे? घर पर है, मेरी दोस्त है ना सभी का, उसका ख्याल रख रही है। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। दानियल, क्या कहा डॉक्टर्स ने? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या कहा डॉक्टर्स ने? She's no more. मैंने ये ड्रेस प्रेस कर दिया, अब जल्दी से चेंज कर लो। ये वाला ड्रेस मैं नहीं पहनती। क्यों नैना, इतना प्यारा ड्रेस तो है, देखना आप इसको पहनकर कितनी अच्छी लगोगी। मामा को पता है मैं ये वाला ड्रेस नहीं पहनती, इसलिए कह रही हूँ मामा को फोन कर ले। मैं दूसरा ड्रेस प्रेस कर देती हूँ, फिर आप चेंज कर लेना। नो, मैं मामा को फोन करने जा रही हूँ। नैना, ये सब गिफ्ट मेरी मामा ने भेजी है। जी बिल्कुल, और आपकी मामा ने कहा था कि ये सारे गिफ्ट्स आपको स्कूल से घर वापस आते ही दे दिए जाएंगे। ओह, इस वजह से आज मुझे स्कूल आप लेने आए थे। और मामा क्यों नहीं आई? वो फैशन शो के लिए मुल्क से बाहर गई हैं। मगर वो तो पापा के साथ गई थी। हाँ, फिर उनको एक जरूरी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया। अब आप जल्दी से उठो, चेंज कर लो, फिर लंच करो। और अभी सारे गिफ्ट्स खत्म नहीं हुए, अभी बहुत से गिफ्ट्स घर में छुपे हुए हैं। और वो सब मैंने ढूंढने हैं। बिल्कुल जी नैना, वो आपको ढूंढने हैं। अब जाइए चेंज कर लें। ओके। वैसे दानियल, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम बच्चों को इतने अच्छे से संभाल लेते हो। शुक्रिया। मैं खाना लगाती हूँ, फिर मिलके खाना खा लेते हैं। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओके। शुक्र है कि वो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेती है। कल से काफी बेहतर है, निकी के बारे में कोई सवाल भी नहीं किया, वरना मेरे पास तो उसके सवालों का कोई जवाब ही नहीं होता। दानियल अंकल, दिस इज माय फेवरेट डॉल, मामा को पता था, शी इज बेस्ट। दिखाओ। तो ये तुम्हारी फेवरेट डॉल है? लेकिन मनाल, इसकी मामा ने तो बोला था कि इसकी कोई और भी फेवरेट डॉल है जिसके बाल लंबे लंबे से हैं और वो यहीं कहीं इसका इंतजार कर रही। ओ, तो एक और डॉल है।
मनाल आंटी बताए ना प्लीज प्लीज। नो नो नो, आपको खुद ही ढूंढनी होगी, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। मनाल आंटी प्लीज बताए ना, ये चीटिंग है। चीटिंग कैसे? इस घर में सिर्फ लड़कियों की हुकूमत है, इसलिए हम जो चाहेंगे वही करेंगे, क्यों ना ना? ये आपकी दूसरी डॉल मेरे कमरे में, गो गेट इट। दिल तो उसका तुम्हारे साथ भी लग गया, देखा तुमसे कितना प्यार करती है वो। मनाल हम बड़े ही हैं जिनको सच्चे प्यार की पहचान नहीं होती, लेकिन बच्चे पहचान जाते हैं कि कौन उनसे सच्चा प्यार करता है और कौन नहीं। मैं बर्तन लगाती हूँ। किसने बोला है? मुझे आपसे बात नहीं करनी, बताएं मेरी मम्मा किधर है, बताएं, बताएं, मम्मा, 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 बताएं मेरी मम्मा कहाँ है, मम्मा, बताएं ना, मम्मा। बताएं ना, आपकी मामा अल्लाह ताला के पास चली गई। आप झूठ बोल रही है, मेरी मामा को ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप गंदी है, मैंने आपसे बात नहीं करनी। मनाल, मैं उसे देखता हूँ। हारिस, तुम आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें फोन या मैसेज किए बगैर आ गया। तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं, बिजी नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने दानिश के जरिए तुम्हें पैगाम भिजवाया। एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ, कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा ना आए। तीसरा तो आ चुका हारिस, तुम्हारा वहम, इस तरह से मुझ पर शक करना किसी तीसरे की मौजूदगी से ज्यादा बुरा है। मनाल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हमारा रिश्ता कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग से शुरू हुआ था, एक दूसरे को ना जानते हुए भी हम लोग एक दूसरे को कितना अच्छा समझते, और अब तुम मेरी कोई बात समझ ही नहीं रही। हारिस, समझ तुम नहीं रहे हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम उस शख्स से मिलो, मुझे उस शख्स से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। तुम उससे ना मिलो, इससे ज्यादा साफ तरीके से मैं तुम्हें कैसे कहूँ? हारिस, नैना दानियाल से मिलती है ना तो बहुत खुश होती है। मैं ये सब कुछ सिर्फ नैना की खुशी के लिए कर रही हूँ। I just don't believe this. और मेरी खुशी मनाल, मेरे माँ बाप की खुशी, तुम्हें तो अपनी अम्मी की भी परवाह नहीं है। तुम जानती हो वो चाहती हैं कि तुम वापस चली जाओ। मैं वापस नहीं जाना चाहती हारिस, मुझ पे कुछ जिम्मेदारी है जिनसे मैं मुंह नहीं मोड़ सकती। ये तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने हस्बैंड की बात सुनना, उसकी बात मानना और अपने हस्बैंड को खुश रखना, दैट्स इट। हारिस, हमारे रिश्ते में ये सब कब डिसाइड हुआ था? तुमने ही कहा था कि मैं जैसे चाहती हूँ अपनी जिंदगी जी सकती हूँ, फिर ये सब क्या है? और इसका मतलब तुमने ये ले लिया कि तुम अपनी जिंदगी में दूसरा मर्द ले आओ? बस कर दो हारिस,
मैं तुम्हारी फजूल बातों का जवाब सिर्फ इसलिए नहीं दे रही क्योंकि तुम्हारा कुछ रिश्ता है मुझसे, हक है मुझसे। लेकिन अगर एक बार और ये घटिया बात बोली ना तो ना ये रिश्ता रहेगा और ना ही तुम्हारा मुझ पर कोई हक। अब तो मुझे लगने लगा है वो बच्ची सिर्फ एक बहाना है, असल देखभाल तो तुम किसी और की कर रही हो। चले जाओ हमारे साथ से। इससे पहले कि मैं कोई ऐसी बात कह दूं जो तुम बर्दाश्त ना कर सको, जाओ यहां से। घर तो काफी बड़ा है आपका, और कौन कौन रहता है यहाँ? सिर्फ मैं और नैना। नैना आपकी बेटी? जी, नैना मेरी बेटी है। ये कौन है? नैना, ये शिल्पा आंटी है। Say hello to her. Hello. Hello. आज से शिल्पा आंटी किचन, घर और आपका ख्याल रखेंगी, और पता है हमारे लिए मजे मजे के खाने बनाएंगी। आज से आपको जले हुए खाने नहीं खाने पड़ेंगे। क्यों शिल्पा? बहुत क्यूट बच्ची है। क्या नाम है आपका? सॉरी। कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम दोनों में दोस्ती भी हो जाएगी। I'm sure. आइए मैं आपको घर का बाकी पोर्शन दिखा दूं। प्लीज। सैबी मेरी जान, खाम खां गुस्सा कर रही हो। क्यों गुस्सा कर रही हो बेबी? I'm sorry. गुस्सा नहीं कर रही, तुम सारा दिन कहाँ होते हो, अपना वक्त कहाँ गुजारते हो, और अब तो तुम मेरा फोन तक नहीं उठाते हैरी। एक्चुअली सैबी, वो मुझे मेरे पुराने दोस्त मिल गए थे ना। दोस्त? मैं तो भूल ही गई थी, जब तुम अपने दोस्तों के साथ होते हो तो तुम्हें मैं कब याद आती हूँ। कब से यहाँ खड़ी हूँ, इतने घंटों से तुम्हें फोन कर रही हूँ और तुम हो के मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। सैबी मेरी जान, मैं तुम्हारी फोन कॉल कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? वो एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पे था ना। सही कहा, ऐसे ही मुझे किसी दिन कुछ हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ना करे सैबी, अल्लाह ना करे। मेरी जान कैसी बातें कर रही हो, मेरे होते हुए बुरा वक्त भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। I'm really sorry. I love you. मुझे पता है ऐसे सड़क पे खड़े होना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे माफ कर दो। I'm sorry. ते कब से यहाँ खड़ी थी? इतना डर लग रहा था अगर कुछ हो जाता तो। मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता तुम्हें से, अभी कुछ नहीं हो सकता मेरी जान। पक्का? जैसे तुमने मुझसे बात की मुझे बुरा लगा। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? फिर मुझे ख्याल आया कि एक लड़की जो इतनी मेहनत से तैयार हुई है और उसका अपने हस्बैंड के साथ डिनर का प्लान है, और ऐन मौके पे उसका हस्बैंड ना आ सके, उसका मूड तो खराब हो गई। फिर मेरी जगह कोई भी आ जाए उसको तो घर से निकाल देगी। अब क्या चाहिए दानियाल? कुछ नहीं, और ना ही तुम्हें मुझे सॉरी कहने की जरूरत है, और ना ही तुम्हारी किसी बात का मुझे बुरा लगा। मैं तो कह रहा था कि मौका भी है, तुम इतनी प्यारी भी लग रही हो, और सबीका के घर से पार्टी का इनविटेशन भी आया, तो घर बैठ के दिल चलाने का क्या फायदा? दानियाल, मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं जाना कहीं। अरे मैंने सुना है सबीका के हस्बैंड ने बहुत शानदार पार्टी रखी है उसकी बर्थडे पे, चलते हैं। मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है या अभी भी गुस्सा है मुझ पे? अच्छा, आई एम सॉरी, आज के बाद कभी भी तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ गलत नहीं बोलूंगा, और अगर अब तुमने मेरे साथ चलने से इनकार किया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है।
दानियल क्या है, मुझे नहीं जाना, नहीं है मेरा मूड, बिना वजह जिद कर रहे हो। जिद मैं नहीं कर रहा, जिद तुम कर रही हो, ना जाने की जिद। आज देखते हैं किसकी जिद चलती है, मेरी या तुम्हारी। सबिका, सबिका, You're Manal, right? Pakistani fashion designer? Oh my God, अभी सभी का आपके बारे में ही बात करें। ये हारिस है, सभी का के हस्बैंड, बहुत प्यार करते हैं सभी का से। आप यहाँ क्यों खड़ी, आप अंदर आए ना, आप अंदर आए ना प्लीज। सभी का देखिए, मैं आपसे सच कह रही हूँ, मीनाल मैडम अभी तक घर पर नहीं आई। इन्हें अंदर किसने आने दिया, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैडम ये आपका कब से पूछ रहे थे? दानियल इनसे कहो कि जाएं यहाँ से। मनाल प्लीज खुद पे कंट्रोल रखो, शिल्पा तुम जाओ। आओ हारिस बैठ के बात करते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। आखिर क्यों, मुझे बोलने का मौका तो तुम मना, आखिर तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं सुनी? क्योंकि तुम एक झूठे इंसान, धोखा दिया तुमने मुझे। मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें, झूठ। गलती मेरी है जब मैंने तुम पर यकीन किया। मनाल तुम गुस्से में हो, खुदा के वास्ते ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। क्या सुनो? खुदा बार 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 मुझे निशानियां दिखाता है, लेकिन मैं अंधी थी, मैंने तुम्हारी हर कही हुई बात पर यकीन किया। तुमने मुझसे झूठ बोला अपनी शादी के बारे में, फिर पेपर मैरिज का बहाना किया, फिर अपनी बीवी के बारे में झूठ बोला, मुझसे सबिका के बारे में झूठ बोला, सबिका को मेरे बारे में झूठ बोला। सिर्फ मुझे ही नहीं, उसे भी धोखा दे रहे हो। तुम जैसा इंसान किसी का नहीं हो सकता। आखिर किया क्या मैंने? सिर्फ यही झूठ बोला ना कि वो एक बूढ़ी औरत है। मनाल तुम्हें तो मेरी किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ? पर अब है, तुमसे, तुम्हारी जात से, तुम्हारी हर चीज से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, जाओ यहां से। मनाल तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं समझने की कोशिश कर, मुझे हर इंसान ने समझाया कि जैसा तुम कह रहे हो ना वैसा होता ही नहीं है, झूठ बोल रहे हो, मुझसे धोखा दे रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। पर मैं ही बेवकूफ थी जो तुम पर यकीन कर बैठी थी। यकीन तो अब भी तुम मुझ पर कर सकती हो, कुछ नहीं किया है मैंने। मैं मानता हूं मनाल मैंने तुमसे छुपाया था, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सब बताने ही वाला था। बताने वाले कि जो हकीकत है तुम जाकर सबिका को बता सकते हो? जाओ यहां से और ये बात जाकर अपने मां बाप और अपनी बीवी को समझा कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए की थी। मनाल, हारिस, बेहतर होगा कि इस वक्त तुम यहां से चले जाओ। बेहतर यह है कि अब ये चली जाए वापस पाकिस्तान।
ठीक है सबिका, जा रहा हूं। रुको हैरी, तुम अपसेट क्यों हो? जब से तुम्हें इमिग्रेशन का पता चला है तुम खुश नहीं हो। तुम तो यही चाहते थे ना कि तुम जल्द से जल्द यहाँ के इमिग्रेंट बन जाओ और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सको। बेबी तुम इमिग्रेंट तो यहाँ के बन गए हो, और रही बात तुम्हारे बिजनेस की, तो मैं भाई से कह के वो भी स्टार्ट करवा दूंगी, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? और ये क्या, तुमने अभी तक पेपर्स भी साइन नहीं किए। बेबी किस्मत तुम्हें एक सुनहरी मौका दे रही है, ये मौका हर इंसान को नहीं मिलता। तुम तो खुश किस्मत हो कि तुम्हें यह मौका मिला है। हैरी साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? अब बहुत हो गया मजाक, ये लो साइन करो। मैं मजाक नहीं कर रहा सबिका, मुझे ये नेशनलिटी नहीं चाहिए। इतनी संजीदगी से बोल रहे हो जैसे वाकई में सच कह रहे हो। अच्छा बस करो ना, अब ये लो साइन करो। तुम कब से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे? आखिर क्या बात है, क्यों कर रहे हो ऐसे? क्योंकि मैं और झूठ नहीं बोलना चाहता सभी का, ना खुद से ना तुमसे। तुम कहना क्या चाह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। और अगर ये मजाक है तो हैरी प्लीज बंद करो ये मजाक। मजाक तो मैं खुद बन गया हूँ खुद की नजरों। तुम बहुत अच्छी हो सबिका, और मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो दीवानों की हद तक, लेकिन मैं इस मोहब्बत के लायक ही नहीं हूँ। मैं इस मोहब्बत के लायक। तुम कैसी बातें कर रहे हो बेबी? मेरे सुकून और तसल्ली के लिए ये काफी है कि तुम जानते हो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा तो शायद मुझसे मोहब्बत ना कर सको। हकीकत? कैसी हकीकत? मेरी जिंदगी में कोई और भी है सबिका, मैंने ना सिर्फ तुमसे हकीकत छुपाई बल्कि बहुत से झूठ भी बोले। मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं तो सिर्फ खुशियां का ठीक करना चाहता था, लेकिन इस बेवफाई और झूठ की वजह से मैं तकलीफों के ऐसे दलदल में फंस गया हूं कि मेरा निकलना मुश्किल हो। मुझे प्लीज माफ कर दो सबिका, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, शायद मेरी रूह को सुकून मिले। ये सब मेरी गलती है, मैं ही गलत हूं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मनाल कैसी है? मैं ठीक हूँ, और मनाल भी ठीक है। चलो अल्लाह का शुक्र है। मैं मनाल को फोन कर रही थी, मेरा फोन नहीं उठा रही थी। अगर तुम्हारे साथ है तो मेरी बात करा दो। आंटी फिलहाल तो वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं घर जाके आपकी उससे बात करवा दूंगा। हारिस बेटा तुमसे एक बात पूछूं? सच सच बताना। जी आंटी पूछे। तुम्हारा और मनाल का कोई झगड़ा हुआ है क्या? कोई नाराजगी चल रही है? नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं सोच नहीं रही हारिस, मुझे महसूस हो रहा है, और माँ को अपने बच्चे की तकलीफ दूर बैठे भी महसूस हो जाती है। देखो बेटा अगर कोई बात है ना तो तुम मुझे बता दो, मैं उसको समझाऊंगी। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, वो बहुत जिद्दी है। बताओ झगड़ा हुआ है फिर से? पहले तो सब ठीक हो गया था ना? आंटी सच तो ये है कि मेरे और मनहाल के दरमियान कभी भी कुछ ठीक हुआ ही नहीं था, वो सब झूठ था आप लोगों को तसल्ली देने के लिए। वो मुझसे अलग हो गई है, वो तो मेरा फोन तक नहीं उठाती आंटी। क्या?
मगर क्यों? ऐसा क्या हुआ है जो वो ऐसे कर रही है? आंटी, I'm really sorry. I have to go. मैं आपसे बाद में बात करता हूँ. हरीस बेटा, तुम ये सब कुछ करके क्या प्रूफ करना चाहते हो? हारिस, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है. ये सब करके तुम सिर्फ खुद को अज़ियत दे रहे हो और मुझे परेशान कर रहे हो. मनाल, मैं जा रहा हूँ वापस पाकिस्तान. अगर तुम्हारा दिल माने 7 बजे तक एयरपोर्ट आ जाओगी प्लीज. वापस जाने का फैसला तुम्हारा है, मेरा नहीं. तुम मनाल क्या चाहती है? तुमसे, तुम्हारी यादों से दूर जाना चाहती हूँ. लेकिन तुम्हें अब दूर जाने की जरूरत ही नहीं है मनाल, क्योंकि मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा, इतना दूर चला जाऊंगा कि चाहकर भी कभी वापस नहीं आ सकूंगा. कभी नहीं. लेकिन मनाल प्लीज, प्लीज आई बेग यू, अभी मेरे साथ पाकिस्तान चलो. मामा और पापा को तुम्हें देखकर बहुत हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे. Getting late for work. Take care. बहुत कमजोर लग रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही. खैर तो है ना जी? मनाल क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? शायद वो कभी ना आए. अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया उसका? मैं अभी फोन करके उसकी माँ से बात करती हूँ. चलो चलो बेटा, तुम अंदर चलो. हारिस! 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 हारिस बेटा, ड्राइवर! हारिस! हारिस होश करो बेटा. ड्राइवर, गाड़ी निकाल. कैसा मेरा हारिस? डॉक्टर ने क्या कहा? आपको ये रिपोर्ट मुझे पहले भिजवा देनी चाहिए थी. डॉक्टर साहब, मुझे फैक्स बस अभी ही मिली है. इनकी केमोथेरेपी जल्द से जल्द शुरू करवानी होगी. कैंसर बहुत फैल चुका है. कैंसर? अल्लाह! देखें, खुद पर और अपने जज्बात पर काबू रखें. ऐसे हालात में मरीज बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा होता है. आपकी ये परेशानी उसकी हिम्मत तोड़ सकती है.
मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? देखिए कैंसर बहुत फैल चुका है, दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। दुआ कीजिए शायद अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में इजाफा कर दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कब की फ्लाइट मिली है? आज रात की, मैं सीधा घर ही आऊंगी। नहीं बेटा, पहले तुम अपने घर जाना, हम बाद में मिलेंगे। अम्मी हारिस कैसा है? वो ठीक नहीं है, बहुत हिम्मत वाला है, बार बार एक ही बात करता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर कुछ और ही कह रहे हैं। शायद नसीब में ही लिखा था, मेरे भी और उसकी उसकी जान मौत ले रही और मेरी जान ये बची हुई जिंदगी ले रही। मैं दरगाह पर जा रही हूँ देख दे रहे, दुआ करके वहां से निकलूंगी और सीधा अस्पताल जाऊंगी। मैं हारिस को बता दूंगी कि तुम आज रात को आ रही हो। सुनो जी, उसने 100 दफा मुझसे माफी मांगी है, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, उसे माफ कर दो मनाल। अभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पैकिंग करनी है। खुदा हाफिज। कमाल साहब, आप चाहें तो हारिस को घर ले जा सकते हैं। जी, मगर आप क्या समझते हैं कि अब उसकी हालत पहले से बेहतर है क्या? कमाल साहब, अब उसे दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है, उसे आप अपने साथ घर ले जाएं, जितना वो अपनों में रहेगा उसके लिए अच्छा है। मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने बहुत देर लगा दी उसे यहां लाने में, कैंसर अब पूरी बॉडी में फैल चुका है। कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब, हारिस मेरी इकलौती औलाद है, उसके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई तो है जो हमारे जीने की वजह है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताएं, मैं उसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाऊं, मैं दूसरे मुल्क ले जाता हूं, मेरा जो कुछ भी है उसमें से कुर्बान है, लेकिन खुदा के लिए आप उसके जीने की कोई उम्मीद तो दिलाएं। मैं समझ सकता हूं आपकी कैफियत, मगर इस स्टेज पर दुनिया का कोई डॉक्टर उसकी जिंदगी बचाने का दावा नहीं कर सकता। और कितना वक्त बचा है मेरे बच्चे के पास? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसके पास कितना वक्त बचा है, लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मामा, मैं जानता हूं आप उसको कबूल नहीं कर सकती, लेकिन सच यही है, जैसी भी है जो भी है मेरी बीवी है। मैं सारी उम्र उसको उसका हक नहीं दे सका, लेकिन अब जब वो आ गई है तो उसको वो इज्जत मिलनी चाहिए
जो उसका हक है। प्लीज मामा, प्लीज आप मेरी गलती की सजा उसे मत देना। अब कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? ठीक हूँ। अल्लाह करे तो हमेशा ठीक रहे। अल्लाह तुझे अपनी हिफाजत में रखे बेटा, हम दोनों की उम्र भी तुझे लग जाए। वो आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया था, क्या कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा कि भाई अब माशाल्लाह हारिस बिल्कुल ठीक है, तो आप चाहें तो उसे घर ले जा सकते हैं। लेकिन कल वो कुछ और नहीं कह रहा था। नदिया, कल जो कुछ डॉक्टर ने कहा उसे भूल जाओ, इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। हम हारिस को लेकर घर जा रहे हैं, बस। सच बाबा, मैं भी घर जाना चाहता हूँ। बाबा, मैं इस हॉस्पिटल के बेड पे नहीं मरना चाहता। हारिस, ये कैसी बातें कर रहे हो? बाप के सामने मरने की बात कर रहे हो? तुम्हारी औलाद नहीं है ना, इसलिए तुम नहीं जानते। अरे माँ बाप तो अपने बच्चे की जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और तुम उसके मरने की बात कर रहे हो। तुम्हें जरा ख्याल नहीं आता हमारा? कुछ ख्याल कर। सॉरी बाप। चल बेटा, बच्चा हम घर जाएंगे। भाभी, ये हारिस का कमरा। ये बैग किसका है? शायद हारिस का होगा। बस घर कदम रखते सार ही उसकी तबीयत खराब हो गई और बैग खोलने का उसको वक्त नहीं मिला। भाभी आप रेस्ट कीजिए, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। क्या मनाल भी यहीं रहती थी? सबीका, हाँ मैं इसी कमरे में रहती थी, लेकिन अब तुम रह सकती हो। मैं अपना सामान कहीं और रख देती हूँ। इस कमरे पे मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। नहीं, रहने दो, तुम्हें अपना सामान कहीं और रखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे किसी का हक मारने की आदत नहीं है। तुम्हारा ज्यादा हक है इस कमरे पर, इन सब चीजों पर, मेरा नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी क्या बात कर रही हैं आप? अच्छी तरह से जानती हैं यहाँ के क्या हालात हैं, इसीलिए मैं नैना को आपके पास छोड़कर आई थी। आप प्लीज उसे कुछ देर संभाल ले, मैं बस आती हूँ। लेकिन अम्मी मैं आती हूँ। भाभी आप कहीं जा रही हैं? हैं, अम्मी के घर जा रही। देखिए भाभी, मेरा कोई हक नहीं कि मैं आपको कोई मशवरा दे सकूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इन हालात में सबीका भाभी की किसी भी बात पे बुरा मनाने के बजाय अगर आप हारिस की सेहत पर तवज्जो देंगी तो शायद वो ठीक हो सके। दानिश, ऐसी कोई बात नहीं है,
मुझे सबीका पर गुस्सा नहीं है और ना ही हारिस से कोई शिकायत है। किम, अब मुझे जाना होगा। और अगर मैं रुकने के लिए कहूं तो? तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा। बेटा रुक जाओ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अम्मी मुझसे नाराज है, हारिस से गुस्सा है, पर बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं खुद जाऊंगी, जाके उन्हें मनाऊंगी और अपने साथ लेकर आऊंगी। मत जाओ प्लीज, मेरे हर जुर्म हर गलती की सजा जिंदगी मुझे दे रही है। लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे तकलीफ सिर्फ तुम्हारी नाराजगी की, बस। प्लीज मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़ के। काश काश मैं यहां ना आई होती, और जो सच तुमने छुपाया था वो मुझसे छुपा ही रहता। मैं इसी खुशफहमी का शिकार रहती कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। सभी का मैं नहीं जानता मोहब्बत क्या होती। मैं ये भी नहीं जानता मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं या नहीं। हाँ, मगर सभी का मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। सच कहा तुमने, तुम नहीं जानते। मगर मैं जानती हूं तुम मुझसे नहीं, तुम मनाल से मोहब्बत करते हो। तुम रहते तो मेरे साथ थे, मगर तुम्हारे दिलो दिमाग पर सिर्फ वो ही थी। कम से कम अब तो सच बोल दो हैरी, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। क्या कहा था तुमने कि तुम मुझे दुख नहीं देना चाहते, मगर तुमने मुझे ऐसा दुख दिया जिसने मुझे जीते जी मार दिया। तुमने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ। सबिका प्लीज, हम ये सब बातें किसी और वक्त भी कर सकते हैं। हारिस की हालत तो देखो। तुम यहाँ क्या कर रही? और अब मैं अपनी मर्जी से हैरी से बात भी नहीं कर सकती। सभी का बात ही नहीं है, मैं तो सिर्फ हारिस के लिए। तुम साबित क्या करना चाहती हो कि सिर्फ तुम्हें हैरी की फिक्र है और किसी को नहीं? सभी का प्लीज, बात को समझने की कोशिश करो। तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से बना। हारिस, हारिस, होश करो बेटा, आप डॉक्टर को।
ड्राइवर ड्राइवर गाड़ी निकालो। हारिस अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो? क्या हो गया मेरे बच्चे को? कुछ नहीं मामा, थोड़ा सा चक्कर आ गया। हिम्मत करें, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो। अब क्या होगा? कैसी बातें कर रहा है? मैं भला क्यों रोऊंगा? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मेरे बच्चे। इन डॉक्टरों को कुछ पता नहीं है। मैं तुझे किसी बहुत बड़े डॉक्टर से उससे इलाज करवाऊंगा तेरा। मैं तुझे बाहर लेकर जाऊंगा, तो मेरा यकीन कर बेटा, तू ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मत कर ऐसी बातें मेरे साथ, मत कर। बस मेरे पूजा, आप अगर ऐसे कमजोर पड़ जाएंगे तो वहां पर मुझे आपको रोक दो। नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैं फैसला कर चुकी हूँ और तुम जानते हो मैं अपने फैसले नहीं बदलती। इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया? मोहब्बत की अपनी मजबूरियां होती हैं। मैं चाहकर भी तुमसे नाराज नहीं हो पाई। तुमने कहा था ना कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं, मगर मेरी जिंदगी का हासिल ही तुम्हारी मोहब्बत है और हमेशा रहेगी। अगर ये सच है, क्यों जा रही हूं मुझे छोड़? मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम दोनों के लिए दुआ करूंगी। सबिका प्लीज मनान, प्लीज, मैंने बहुत मुश्किल से ये फैसला लिया है, प्लीज मुझे मत रोको वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। प्लीज मुझे मत रोको। हमेशा ऐसे ही करती है, जो बात दिल में आ जाए वो करके रहती है।
मैंने तो जाके अच्छा नहीं किया। मनहर कहीं तुम भी जाने का तो नहीं सोच रही? लेकिन जानना चाहती हो तो चली जाओ, मैं वैसे भी तो पल का मैं किसी भी लम्हे मर सकता हूँ। मेरे साथ रहकर तुम ना वक्त की बर्बाद कर रही, तुम भी चली जाओ। जाओ मना, तुम भी चली जाओ। कहीं नहीं जाना मुझे, मुझे यहीं रहना है तुम्हारे साथ। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। क्यों क्यों रहोगी तुम मेरे साथ? मैंने कौन सी भलाई की तुम्हारे साथ? मेरे साथ रहकर कौन सा कर्ज उतारना चाहती हो तुम? जाओ जाओ मनाल, जाकर तुम अपना कैरियर देखो, अपनी जिंदगी देखो, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? हारिस, ये जिंदगी मैंने तुम्हारे नाम की थी और मैं जिंदगी के आखिरी लम्हे तक तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। ना तुम कहीं जाओगे ना मैं, सुन लिया तुमने? तुम भूल सकते हो अपने वादे कि मुझे सब याद। तुमने ही तो कहा था कि हम अपने अपने ख्वाब पूरे करके फिर से मिलेंगे, हम अपनी जिंदगी जिएंगे, भरपूर जिंदगी। हारिस, में तुम्हें तुम्हारा वादा तोड़ने नहीं दूंगी। मेरे साथ किया हर वादा तुम्हें निभाना पड़ेगा, जीना पड़ेगा मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता, कोई वादा नहीं निभा सकता, कोई वादा नहीं निभा सकता। ऐसा मत कहो हारिस, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए। अभी तो मुझे तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना, तुम्हें बताना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ऐसी कोई बात मत करना मना, इसको सुनने के बाद मेरे लिए मरना मुश्किल हो जाए। अगर जिंदगी जीने की उमंग मेरे अंदर पैदा हो गई तो मेरे लिए मौत और मुश्किल हो जाएगी। हारिस प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो। जी अम्मी, बस आप दुआ करें कि हारिस जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर्स ने जवाब दे दी, मुझे पूरा यकीन है अम्मी मेरी दुआएं जरूर कबूल होंगी, हारिस जल्दी ठीक हो जाएगा। मनाल बीबी, आपको आरिस साहब बुला रहे हैं। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे हारिस बुला रहा है। खुदा हाफिज। हारिस, हारिस ये सब क्या है? क्या हुआ मना, तुम्हें सब अच्छा नहीं लगा? कैसा लग रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो हमारे ख्वाब अधूरे रह गए थे उन्हें मरने से पहले पूरा करना चाहता हूँ।
क्या हुआ मनाल, चुप क्यों? अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो कहो। ए, फूल जाया नहीं होंगे, मेरी कब्र पे इस्तेमाल हो जाएंगे। हारिस, मनाल, आइंदा अगर ये बात मेरे सामने की तो क्या बोलो मनाल, तो क्या? तो कुछ नहीं, मेरी बीमारी का एक फायदा तो हुआ, तुमने मुझे माफ कर दिया, वरना बीमारी से ज्यादा तकलीफ मुझे तुम्हारी नाराजगी की थी। हारिस, क्या तुम कुछ देर के लिए बात भूल नहीं सकते? तुम बीमार नहीं, देखो मेरी आंखों, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम बीमार? जी जी डॉक्टर साहब, जी जी बेहतर, मैं अभी उसकी सारी रिपोर्ट्स आपको ईमेल करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्या कहा डॉक्टर ने? एक उम्मीद की किरण तो दिखाई है डॉक्टर ने। अल्लाह भला करे इस डॉक्टर का। तो बहुत सारा रखो और जाओ जाकर हारिस की रिपोर्ट्स लेकर आओ। मैं अभी लेकर आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ।
अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो तुम जिंदगी कहां से शुरू करते? मामा और पापा के पास रहकर अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश करता, और फिर मुझे तुम मिल जाती। कैसा इंसान हूं जिसे खुश करने की कोशिश करता हूं उसे ही रुला देता। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। मनाल बीबी, ये दानिश साहब दे गए आपके लिए। ठीक है, आप जाइए। डियर मनाल, बहुत सी बातें मेरे साथ मेरे दिल में दफन हो रही। वो बातें जो मैं तुमसे करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, इसीलिए इस लेटर का सहारा ले रहा हूं। मनाल, मैं अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की जद्दोजहद में ये बात भूल गया कि जिंदगी वही है जो हम लोग जी रहे हैं। ये बात मेरी समझ में बहुत देर के बाद आई कि जिंदगी तो बस वो एक लम्हा होती है जिसमें हम लोग जी रहे होते हैं। मुस्तकबिल तो सिर्फ एक ख्वाब है, और जब ख्वाब पूरे ना हो तो इंसान खाली हाथ रह जाता, जैसे मैं रह गया। मैं अब तक ये समझ रहा था कि मैं सब ठीक कर लूंगा, वो सब रिश्ते जो मुझसे रूठे हैं कामयाब हो सबको मना लूंगा, मगर ऐसा ना हो सका। जब जिंदगी बंद गली में आई तो पता चला इंसान कितना बेबस। मौत मेरे सामने खड़ी है, मुझे मौत का खौफ नहीं है, मुझे मौत का खौफ नहीं है। दुख इस बात का है किसी को खुशी नहीं पहुंचा सका, कितना बदनसीब हूं मैं जिसे इतने चाहने वाले मिले मगर मैं किसी की मोहब्बत की कदर ना कर सका। गलती मेरी थी जो हमने एक दूसरे पर यकीन नहीं किया। जिंदगी ने हमें बहुत मौके दिए और मैं उन खूबसूरत लम्हात को ठुकरा कर मुस्तकबिल की खुशियों में कुछ बात बाबा, मैं अल्लाह के पास जाने के बाद सबसे पहले इसी बात का शुक्र अदा करूंगा कि मुझे आप जैसे बाबा मिले। आप दोनों ने हमेशा मेरा साथ दिया, तब भी जब मेरे साथ कोई नहीं था मैं आप लोगों का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। बस आप दोनों मुझसे वादा करो, आप दोनों हमेशा अपना बहुत ख्याल रखेंगे और मुझे याद करके रोएंगे नहीं बल्कि मुस्कुराएंगे, क्योंकि जिंदगी एक बहुत खूबसूरत तोहफा है, इसे हर पल जी। बेटा, हमारा बेटा तो इस दुनिया से चला गया मगर तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि
कि तुम अपनी जिंदगी हमारे लिए जाया करो। तुम्हारी आंटी बिल्कुल ठीक कहती है मनाल। तुम अपनी जिंदगी के बारे में कोई भी फैसला करने के लिए बिल्कुल आजाद हो। हमारी फिक्र ना करना, हम तो जैसे तैसे गुजार लेंगे। और वैसे भी हमारी अब जिंदगी रह ही कितनी गई है। तुम्हारे तो बहुत ख्वाब थे बेटा, तुम तो बहुत कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो सब कुछ हमारी खातिर मत छोड़ो। तुमने बड़ी मुश्किल से नाम बनाया है, नाम कमाया है, जी लो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जियो। बाबा, आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मेरी बेटी हो, हमारा सब कुछ हो, मगर अगर क्या बाबा, कि अब हारिस नहीं रहा तो आपका मुझ पर कोई हक नहीं रहा, या मेरा आप पर कोई हक नहीं रहा। आप मेरी बात सुन ले, मेरा आप दोनों पर उतना ही हक जितना हारिस का था, और मैं अपने ख्वाब भी पूरे करूंगी और यही रहूंगी आप दोनों के साथ, कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा आप दोनों और नैना के अलावा है ही कौन। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। चीती, और आप भी मुझे आइंदा कहीं जाने का नहीं कहेंगे। नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा, कभी भी नहीं कहूंगा। Oh, my God.